सीरियल तो उसे नैना मिलाके की बात करें तो शो में कुहू ने कमाल कर दिया। राजीव जी से बिल्कुल भी आस्था भगवान में नहीं थी, आखिरकार कुहू ने आस्था जगा ही दी। कुहू ने राजीव को समझा ही दिया कि कैसे सब कुछ तो जल गया, लेकिन माँ का दिया हुआ ये लॉकेट जिसमें महादेव और रुद्राक्ष दोनों हैं, ये नहीं जला। राजीव इस बात को सोचता और उसे समझ में आता है कि सचमुच कुहू बिल्कुल सही कह रही थी। अब आपको बताते चले कि वो लॉकेट पहनकर सीधे राजीव नीचे आकर पूजा करता है, आरती करता है। लेकिन अब आपको बताते चलें कि यहाँ पर बड़ी बहू का दर्जा जो मिला है कुहू को, उससे कुहू तो खुश है, घर वाले खुश है, लेकिन नहीं खुश है तो हंसिका। हंसिका बार बार अपने ससुर जी को यही कह रही है कि आखिर मैं ही तो इकलौती बहू हूँ, आपने मुझे बहू माना है तो आप मुझसे ही पूजा कराइए। लेकिन यहाँ पर देव कहते हैं कि तुम अगर इकलौती बहू हो तो मेरा बड़ा बेटा राजीव है और वही ये पूजा करेगा। तो वहीं यहाँ पर देव ने एक बड़ी बात सबके सामने कह दी है कि कुहू का अगर बच्चा होता है तो वह इस वंश का नहीं कहलाएगा। मैं कुहू के बच्चे को इस वंश का नाम नहीं दूंगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुहू को इस घर से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। दासी तो उसे समझा ही जा रहा है, लेकिन उसके और राजीव के बच्चे को इस घर में कोई हक नहीं मिलेगा और नाम भी नहीं मिलेगा। वेल, अब यहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ पर कुहू ये सुनकर रोने लगती है। यहाँ पर राजीव जो है, ये बात जब उसे मालूम चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। बहुत जल्द आप देखने वाले हैं कि राजीव और कुहू एक होने वाले हैं, और राजीव और कुहू को एक होने के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से राजीव की आंख भी वापस आएगी, वो भी कुहू के प्रयास से। लेकिन इसके साथ ही साथ शो में बहुत ही दिलचस्प मोड़ भी आपको देखने को मिलेंगे। आप कितने इंटरेस्टेड हैं ये सब देखने के लिए हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लेकर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फटाफट।